बिहार के सभी स्कूलों में है भारी विस्फोटक सामान। सरकार और प्रशासन को नहीं है उस भारी विस्फोटक की खबर। कभी भी बिहार के स्कूलों में हो सकता है एक बड़ा हादसा। वो कहते हैं ना कि हादसे बताकर नहीं आते, पर अगर कोई जानबूझकर हादसों को आमंत्रण दे तो उसे आप क्या कहेंगे। बिहार के लगभग सभी हाई स्कूलों में बंद है भारी विस्फोटक सामान, जो कभी भी किसी भी बड़े हादसे का रूप ले सकता है। बोतलों में बंद ये सामान वैसे तो बच्चों के शिक्षा के लिए सरकार ने दिए थे, पर ये बोतलों में रखे रखे एक विस्फोटक या आत्मघाती सामान बन गए हैं, जो कभी भी और किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। उस डेट के बाद भी कुछ केमिकल्स स्टेबल है, लेकिन ज्यादातर केमिकल्स क्या होते हैं कि थर्मल प्रभाव में, हीट के प्रभाव में, टेम्परेचर के प्रभाव में वो विखंडित हो जाते हैं, अपने नेचुरल स्वरूप में नहीं रहते। तो इस स्थिति में वो अपना प्रॉपर रिजल्ट तो नहीं देंगे, तो जिस कॉन्सेंट्रेशन में आप बनाना चाहते हैं वो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। आप कोई सोल्यूशन ही बना रहे हैं तो वो ठीक रिजल्ट नहीं देगा, तो एकेडमिकली तो ये नुकसान होगा। दूसरी बात की जो अगर वो टूटता है तो किस रूप में जाता है और कौन सा गैस एग्जिट करता है, और जैसे मान लीजिए कोई बोतल है उसका हाफ वे ऊपर का खाली है, तो उस स्थिति में वो गैस उसमें ट्रैप्ड रहता है, और जो बच्चा अगर उसको खोलता है या जो कोई स्टाफ ही खोलता है तो वो पॉइजनस भी हो सकता है, वैसी स्थिति में जान का भी खतरा हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल्स। तो सुना आपने मौत के सामान के बारे में, अब आपको बिहार के स्कूलों में विस्फोटक होने की पूरी कहानी बताते हैं। संभावना है कि बिहार के स्कूलों में जहरीली गैस या फिर विस्फोटक के चपेट में सैकड़ों छात्राओं, शिक्षक या फिर विद्यालय के प्रयोगशाला कर्मी आ सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था के लिए बिहार के स्कूलों में रखी लाखों की केमिकल एक्सपायर हो चुके हैं, जो अब जहरीले विस्फोटक केमिकल बन चुके हैं, और इन्हीं केमिकल का इस्तेमाल स्कूलों के बच्चे कर रहे हैं, जो ना सिर्फ घातक है बल्कि जानलेवा भी है। रसायन विज्ञान के एक्सपर्ट एसोसिएट प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा के मुताबिक एक्सपायर हो चुकी केमिकल जहरीली और विस्फोटक हो जाती है, जिसके विस्फोट का खतरा बना रहता है। और जैसे मान लीजिए कोई बोतल है उसका हाफ वे ऊपर का खाली है, तो उस स्थिति में वो गैस उसमें ट्रैप्ड रहता है, और जो बच्चा अगर उसको खोलता है या जो कोई स्टाफ ही खोलता है तो वो पॉइजनस भी हो सकता है, वैसी स्थिति में जान का भी खतरा हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल्स। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ विशेष केमिकल है, जैसे उसका नाम अभी आपको बताना भी ठीक नहीं है, तो वो विस्फोट कर सकते हैं। उसका रखरखाव अगर ठीक से नहीं है तो विस्फोट निश्चित रूप से कर सकता है, लेकिन अगर किसी लैब में है वैसा केमिकल तो निश्चित रूप से वो डेंजरस है। एक्सपायर हो चुकी केमिकल की ये तस्वीर बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा प्रोजेक्ट +2 कन्या विद्यालय की है। लिहाजा स्कूलों में केमिकल के रूप में रखे विस्फोटक के सवाल को लेकर हम कटिहार के जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे, तो विद्यालय में जहरीली विस्फोटक व्यवस्था पर जांच करने के लिए अधिकारी ने 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया और कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। आप लोग के द्वारा बताया गया है, जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ एक्सपायरी पाउडर और केमिकल उपलब्ध है। इसको मिथिमन कमेटी के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा अभियान और उसमें एक्सपर्ट को रख के हम जाँच करवा लेते हैं। जांच करवाने के बाद जो अंतर कार्रवाई होगी वो करेंगे। बहरहाल बिहार के स्कूलों के प्रयोगशाला में एक्सपायर केमिकल की वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा जरूरत है सूबे के तमाम स्कूलों की जांच कर ऐसे विस्फोटक और घातक केमिकल को विनष्ट करने की, जो किसी की जान ले सकता है।
जयप्रकाश भगत, न्यूज लाइफ, कटिहार।